हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीतूज कुकिंग हब। आज मैं लेके आई हूँ बिहार के चंपारण की स्पेशल मटन रेसिपी, हांडी मटन करी। ये रेसिपी में मसालों का एक ज़बरदस्त टेस्ट मिलेगा। और क्योंकि इस रेसिपी को हम मिट्टी के हांडी में आटे से चारों तरफ सील करके बनाएंगे, तो मटन में मिट्टी का भी एक लाजवाब टेस्ट आ जाएगा। तो आइए बिना देर करे इस स्पेशल नॉर्थ इंडियन मटन रेसिपी को बनाते हैं। मटन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है। पैन में मैंने यहाँ पे लिया है 100 ग्राम के करीब तेल। यहाँ पे मैं सरसों तेल यूज कर रही हूँ। इसे हमें एकदम से गर्म करना है, जैसा कि धुआं निकलने लगे वैसा गर्म करके रख लेना है। अभी मैंने यहाँ पे लिया है एक बाउल। बाउल में मैंने यहाँ पे लिया है 300 से 350 ग्राम प्याज। अगर देखें तो ये 5 बड़े प्याज हैं। इसे मैंने रफली चॉप्ड किया है। और प्याज की क्वांटिटी हमें ज़्यादा लेनी है, क्योंकि हमें प्याज में ही पूरे मटन को पकाना है। इसमें पानी ऐड नहीं करना है हमें पकाते समय। और अभी मैंने यहाँ पे लिया है 3 लाल मिर्च खड़े और 3 हरी मिर्च लिया है। अदरक लिया है ग्रेड किया हुआ 1 बड़ा चम्मच। 20 से 25 खड़े लिए हैं मैंने काली मिर्च। और 15 पीसेज मैंने यहाँ पे लिया है लहसुन की कलियाँ, जिसे छील के लिया है मैंने। और 1 तेज पत्ता लिया है, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 बड़े चम्मच, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, और यहाँ पे 1 छोटी चम्मच मैं ले रही हूँ काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, क्योंकि लहसुन हमने रखा है खड़ा और ये मैं एक पूरा खड़ा लहसुन डाल रही हूँ। ये डाला जाता है और ये जब पकेगा तो एकदम इसमें एकदम मेल्ट हो जाता है लहसुन के अंदर, तो उसमें एक अच्छा सा टेस्ट होता है। इन सब चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स करें हाथों से दबा के। और अभी ये सब कुछ मिक्स हो गया है, तो हम लोग यहाँ पे इसमें गरम गरम जो तेल है वो डाल देंगे। और अभी आप इसे मिक्स करने के लिए चम्मच का यूज करें फ्रेंड, क्योंकि काफ़ी गरम है तेल। तो यहाँ पे मैंने देखे आप मिक्स कर दिया है, और मिक्स करके आप चाहे तो 4-5 मिनट इसे छोड़ दें, ताकि अच्छे से इसमें सब कुछ प्याज में मिल जाए, ऑयल वगैरह। और यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 kg मटन। तो मटन का कोई भी पार्ट आप यूज कर लें, जो भी आपको पसंद हो। तो अभी हमें मटन को इसके अंदर ऐड कर देना है। और मटन को ऐड करने के बाद मैं मसालों में इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। तो आप इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छे से ऐसे ही मिक्स करें, ताकि एकदम अच्छे से मटन के अंदर पूरा मसाला चला जाए। और मैंने 5 मिनट पहले रखा था, तो प्याज अभी लगभग नॉर्मल था मिक्स करने के हिसाब से। और यहाँ पे मैंने लिया है ये मिट्टी का हांडी। तो मिट्टी के हांडी में आप जो भी घी खाते हैं, तो घी या फिर ऑयल से आप इसे ग्रीस कर ले। और अभी यहाँ पे हमें सारे मटन को इसमें डाल देना है। और अभी हांडी में मैंने सारे मटन को डाल दिया है, तो इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड। और इसे मैंने अभी ढक दिया है। और ढकने के बाद मैंने यहाँ पे आटा लिया है, ये गूथा हुआ आटा जिसे हम लोग रोटी बनाते हैं। और इसे आप अच्छे से सील कर दें, ताकि कहीं से भी छूटे नहीं, थोड़ा भी एयर इसके अंदर से जो भाप बने वो निकले नहीं। तो इसी से ये एकदम अच्छे से पकेगा, और जो भी इसका टेस्ट होगा बिल्कुल एकदम लाजवाब होगा। तो आप देख सकते हैं मैं इसे कैसे सील कर रही हूँ एकदम अच्छे से। और इसी में जो भाप बनेगा उसी से ये मटन एकदम अच्छे से पक जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हांडी को मैंने एकदम लॉक कर दिया है आटे से। और यहाँ पे आप देखें गैस स्टोव मैंने लो फ्लेम पे स्टार्ट किया है, और इसे हमें 40 से 45 मिनट तक ऐसे ही लो फ्लेम पे पकने देना है। और थोड़ी देर उसके बाद इसे हमें ठंडा भी हल्का होने देना, ताकि प्रेशर पूरा अंदर रहे। जैसे हम लोग कुकर में बनाते हैं, जब उसका प्रेशर खुद ही रुक जाता है तब हम उसे खोलते हैं। तो अभी 40 मिनट हो चुके थे, और उसके बाद मैंने इसे 5 से 6 मिनट छोड़ भी दिया था, और अभी मैं इसे खोल रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मटन एकदम अच्छे से पक चुकी है, और इसका कलर भी आप देख के समझ सकते हैं कि कितना यमी बना है। और अगर आपको लगता है कि इसमें ग्रेवी चाहिए, तो आप अपने हिसाब से पानी ऐड कर लें।
और अभी मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखें कितने अच्छे से हमारा मटन पक चुका है, एकदम बिना पानी का, आप देखें एकदम गल चुका है जितना हमें चाहिए सॉफ्ट। और अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, और ये मटन एकदम गरम है अभी तो पकाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो 1 से 2 मिनट और पका सकते हैं। तो मैंने इसे 2 मिनट पका लिया था, और ये पूरे मटन को पकने में 45 मिनट के करीब लगे हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके मटन को 45 मिनट्स ही लगेंगे, मटन पे डिपेंड करता है कि थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है तो बाद में आप उसे 10 मिनट के लिए भी डाल सकते हैं लो फ्लेम पे। और यहाँ पे मटन पूरी तरह से रेडी है सर्व करने के लिए। तो रोटी राइस जो भी आपको पसंद है उसके साथ आप इसे इंजॉय करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं आपको मेरी ये हांडी मटन की रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले फ्रेंड, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।